सभी को प्रणाम सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति द्वारा आयोजित धर्म संवाद के क्या है हिंदू राष्ट्र की संकल्पना इस विशेष कार्यक्रम में मैं कार्तिक साड़ूंग के आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता पूर्वक वंदन कर आज के धर्म संवाद को प्रारंभ करते हैं कार्यक्रम को आरंभ करने से पूर्व सभी दर्शकों के लिए एक सूचना थी यह कार्यक्रम नियमित रूप से प्राप्त होने हेतु आप हिंदू जन जागृति समिति का यूट्यूब चैनल हिंदू जागृति इसको अवश्य सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन दबाना ना भूले इससे आपको इन महत्वपूर्ण कार्यक्रम का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहेगा बंधुओं आजकल हिंदू राष्ट्र यह शब्द सेक्युलर भारत में आक्षेपजनक माना जा रहा है कुछ लोगों को तो हिंदू इस शब्द के संदर्भ में ही मूलभूत आक्षेप है सेक्युलर विचारकों का आक्षेप है कि हिंदू राष्ट्र की कल्पना असंविधानिक है सामाजिक सौहार्द की डिंगे मारने वाले हिंदू राष्ट्र को संकीर्ण अथवा कट्टरपंथीय उनको ऐसे लगता है और हिंदू पंथियों को तो लगता है कि हिंदू राष्ट्र उनके प्रगति में रुकावट बनेगा यह आक्षेप केवल प्रातिनिधिक स्वरूप के, प्रातिन के हैं ऐसे अनेक आक्षेप हिंदू राष्ट्र इस शब्द को घेरे हुए हैं इन आक्षेपों की वास्तविकता क्या है सच्चाई क्या है यह जानने के लिए हम आज के इस धर्म संवाद में महत्वपूर्ण जानकारी समझ कर लेने वाले हैं इस पर मार्गदर्शन करने हेतु आज हमारे साथ हिंदू जन जागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सदगुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगड़े जी जुड़े हुए हैं नमस्कार सदगुरु डॉक्टर पिंगड़े जी नमस्कार कार्तिक जी सदगुरु जी हिंदू राष्ट्र संकीर्ण संकल्पना है ऐसा आरोप होता है इस विषय में आप क्या कहेंगे क्या इसमें सभी का विचार नहीं होगा क्या कार्तिक जी सबसे पहले तो जो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को संकीर्ण मानते हैं वे विश्व से विश्व में जो 50 से अधिक इस्लामी देश है या डेढ़ सौ से अधिक ईसाई देश है तो उस संकल्पना को संकीर्ण नहीं मानते और उनको मान्यता देते यह सबसे पहले विरोधाभास हमें दिखाई देता है कार्तिक जी जो हिंदू राष्ट्र यह संकल्पना संकीर्ण है ऐसे आरोप करते हैं इनके मन में हिंदू धर्म के विरोध में कितना विद्वेष भरा है इतना ही नहीं तो हिंदू धर्म की महत्ता उनके उच्च मूल्य और इसकी वैश्विक व्याप्ति की जो क्षमता है उसके बारे में भय भी दिखाई देता है यह भी मैं सबसे पहले स्पष्ट करना चाहूँगा क्योंकि जब ईसाइत यूरोप में पहुँची और वहाँ पर जो पुरानी पैगन या अन्य पंथीय उपासना पद्धति की जो संस्कृति थी तो कहा जाता है कि 50 वर्ष के अंदर यूरोप के सभी देश तलवार के बल में हो या इसके बल में हो वो पूर्णता धर्मांतरित होकर पूर्ण यूरोप ईसाई बन चुका था इस्लाम का निर्माण के बाद जब वह अरब देशों में पहुंचा, तो 35 से 50 वर्ष में सभी अरब देश इस्लाम में हो गए थे परंतु 800 वर्ष के निरंतर इस्लामी आक्रांताओं का भारत और हिंदू धर्म पर आक्रमण के बाद भी और वैसे तो 400 वर्ष का इंग्लिश अंग्रेजों का जो राज था ब्रिटिश मिशनरी या ये कंपनी सरकार का जो सरकार था और उसमें भी 150 साल मुगलों का राज खत्म होने के बाद जब भारत में राज था तो इतने वर्ष वर्षों के आक्रमण के बाद भी वे हिंदू की मानसिकताओं को चाहे इस्लाम में हो ईसाइत में हो धर्मांतरित नहीं कर पाए थे और उन्नीस में हिंदुओं की जनसंख्या सतासी प्रतिशत थी तो यह जो भय इनके मन में है अल्पसंख्यक पंथों के मन में कि हमने जो यूरोप में ईसाइत के संदर्भ में किया या अरब में इस्लाम के संदर्भ में हुआ जो केवल पचास वर्ष के अवधि में हुआ वो एक हज़ार वर्ष के अवधि में भी भारत में नहीं हो पाया तो यह भी भय उनके मन में है ऐसे स्पष्ट होता है और अभी आपने जो प्रश्न पूछा तो उसके संदर्भ में हम जाएंगे तो मैं यह स्पष्ट बताने चाहता हूं कि हिंदू हिंदू धर्म परंपराएं या हिंदू राष्ट्र यह कभी संकीर्ण हो ही नहीं सकता है और इस प्रकार का आरोप करने वालों के मन में हमने देखा कि हिंदू द्वेष भी हो सकता है हिंदू धर्म की महत्ता का भय भी हो सकता है परंतु सबसे अधिक मैं यही कहूं कहूँगा कि ना तो उनको धर्म और पंथ या संप्रदाय का अध्ययन है ना हिंदू धर्म परंपराओं के जो मूल्य हैं जो वैश्विक और सभी मानों को लागू है इसके बारे में उनका अध्ययन नहीं है और केवल हिंदू द्वेष, सनातन हिंदू धर्म परंपरा को नष्ट करना हिंदुओं के मन में न्यूनता निर्माण करना और एन के न भारत में चाहे इस्लाम हो या ईसाई हो तो मत परिवर्तन करके कैसे हम अपनी संख्यात्मक वृद्धि भारत में करे इस षड्यंत्र के तहत यह हो रहा है यह सिद्ध होता है हिंदू धर्म कभी संकीर्ण नहीं अपितु वह कर्तव्य परायण धर्म है यह अगर हिंदू धर्म का अध्ययन किया तो पता चलता है और हिंदू धर्म के मूल्यों तत्वों का अगर अध्ययन करते तो उसकी तुलना इस्लाम अथवा ईसाई पंथ या मजहब इसके किसी विचारधारा से करे यह अत्यंत अनुचित है और संकीर्ण विचारधारा के अनुनय करने वाले ये अल्पसंख्यांग पद पंथ अगर वो हिंदू धर्म पर आक्षेप लगाते हैं आरोप करते हैं तो यह भी अत्यंत अनुचित है यह हमें ध्यान में लेने की आवश्यकता है वस्तुतः धर्म यह शब्द अत्यंत व्यापक है शंकराचार्य ने कहा था प्रत्येक प्राणी मात्र प्राणी मात्र में मनुष्य भी आता है प्राणी वनस्पति और ये पंचमहाभूत यानी सृष्टि के ऐहिक यानी भौतिक यानी व्यवहारिक उन्नति पारलौकिक यानी आध्यात्मिक उन्नति उसी के साथ उत्तम समाज व्यवस्था या पृथ्वी का संरक्षण करना यह तीनों अंगों से जहाँ पर हमें साध्य होता है उसे धर्म आद्य शंकराचार्य ने कहा था परंतु परायणता, यानी हम सामाजिक जीवन में हैं और सामाजिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को अपने रिश्ते के हिसाब से एक दायित्व मिला है और कर्तव्य परणा कर्तव्य परायणता की दृष्टि से अगर धर्म का अगर हम अध्ययन करते तो यह धर्म यह शब्द पितृधर्म यानी पिता ने अपने पुत्रों के लिए क्या करना चाहिए पुत्र धर्म पुत्र ने अपने माता पिता या पुरुखों के लिए पूर्वजों के लिए क्या करना चाहिए यह धर्म बताया गया है गृहस्थ धर्म व्यक्ति ने गृहस्थ आश्रम स्वीकारने के बाद अपनी पत्नी हो माता पिता हो सास ससुर हो अपना वंश हो अपने पूर्वज हो अपना समाज हो अपना राष्ट्र हो अन्य वर्णों के अन्य आश्रमों के लोगों के लिए क्या करना चाहिए यह जो दायित्व उनके कर्तव्य को सुस्पष्ट करता है वह गृहस्थ धर्म है और सबसे महत्व का है राजधर्म राजा कैसे हो राजा में कौन से गुण चाहिए राज्य कारोबार कैसे चले प्रजा के प्रति उसका दायित्व क्या है तो पितृत्व पितृशाही पित्रु यानी प्रजा को पुत्रवत मानने वाला राजा और जैसे परिवार में माँ पिता अपने बच्चों का निर्वहन करते उसी तरह से जब राजा अपने प्रजा को पुत्रवत मानकर प्रजा के उत्कर्ष समाज के उत्कर्ष राष्ट्र के अपने राज्य के उत्कर्ष के लिए कार्य करता है तो उसे धर्म कहा है तो ऐसे विविध प्रकार के कर्तव्यों के दृष्टि से धर्म यह शब्द व्यापकता से उपयोग किया जाता है और इसमें यह कहीं नहीं लिखा है कि अमुक पंथ से साधना करने वालों को यह लागू है और अमुक पंथ से साधना करने वालों को लागू नहीं तो समस्त मानव जो पिता है पुत्र है जो नागरिक है जो गृहस्थ है पति है या पत्नी है तो सभी के लिए लागू ये सूत्र होने के कारण यह एक बहुत व्यापक स्तर का चिंतन है धर्म यह एक बहुत व्यापक स्तर का चिंतन है और चाहे इस्लाम मजहब हो या ईसाई पंथ हो तो यह रिलीजन हो तो यह अत्यंत अपना ही मार्ग और अपने ही तत्वों का विचार करने वाला एक संकुचित है यह ध्यान में आता है तो हिंदू धर्म में जो बताया गया राजधर्म है यानी राजा ने अपने प्रजा और राज्य के लिए क्या क्या करना चाहिए तो यह राजधर्म प्रजा के अत्यंत कल्याण के लिए बताया है और वहाँ जब प्रजा यह प्रश्न आता है तो वह हिंदू या अहिंदू या विशिष्ट उपासना मूर्ति पूजक या निर्गुण निराकर के पूजक ऐसे कई भेद नहीं आता है तो समस्त प्रजाजन मानवों के लिए लागू होता है यह हमें ध्यान में लेने की आवश्यकता है और इसलिए धर्माधारित धर्माधारित का मतलब कर्तव्य परायणता तो धर्माधारित जो हिंदू राष्ट्र है वह केवल हिंदू समाज का ही हित साधने वाला नहीं तो वो सभी का हित साधने वाला है और वो अन्य पंथ या उपासना पद्धति या अन्य मजहबों पर अन्याय करने वाला तो हो ही नहीं सकता यह हमें सुस्पष्ट होता है हिंदू राष्ट्र का जब हम विचार करते हैं तो हिंदू राष्ट्र यह संकल्पना एक राम राज्य ईश्वरी राज्य तो एक प्राचीन उदात्त आदर्श एवं आध्यात्मिक स्तर की राज्य व्यवस्था की संकल्पना है जिसमें सभी के उत्थान की प्रक्रिया है केवल मनुष्य ने प्राणी वनस्पति यहाँ का जल वायु यहाँ के पर्वत सभी के उत्थान की प्रक्रिया इसमें आती है और इसलिए इस वसुंधरा को इस पृथ्वी को अगर हम संरक्षित करना चाहते हैं तो हमें हिंदू राष्ट्रीय संकल्पना हिंदू आधारित संकल्पना को ही आगे लेके जाना आवश्यक है अगर उदाहरण के स्वरूप में अगर हम देखते हैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो राज्य था वह सेक्युलर नहीं अपितु वह हिंदवी स्वराज्य था और वे हिंदू सम्राट थे तो छत्रपति शिवाजी महाराज के जब हिंदवी स्वराज्य की संकल्पना का हम स्मरण करते हैं तो हमारे सामने हिंदू राष्ट्र का एक आदर्श चित्र निर्माण होता है उनके हिंदवी स्वराज का जो महता है या उनके हिंदवी स्वराज की जो कीर्ति है आज भी विश्व में सब तरफ है और सभी राष्ट्र राजधर्म के दृष्टि से उसका अध्ययन करते हैं उनकी युद्ध नीति का मिलिट्री के दृष्टि से अध्ययन करते हैं और अभी भी उनके आदर्श को वे मान्यता देते हैं क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो स्वयं हिंदू सम्राट थे और जिन्होंने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना किया था तो उनका जो राज्य था वो अत्यंत जनकल्याणकारी था तो हिंदू राष्ट्र भी इसी प्रकार का अत्यंत जनकल्याणकारी भेदभाव रहित सभी को उत्थान की समान संधि देने वाला होगा यह तो निश्चित है और हिंदू राष्ट्र केवल मानव उत्थान की बात नहीं करता वो इस सृष्टि में जो सभी है पशु पंची कीड़े मकोड़े वृक्ष बेल लता आदि से लेकर सूक्ष्माति सूक्ष्म जीवों के जीवों के उद्धार का विचार करने वाली व्यवस्था है नदी जल वायु पर्वत इनकी पूजा करके इनके संवर्धन से सृष्टि के संवर्धन का वह विचार है तो यह जो मूलभूत हिंदू राष्ट्र की व्यवस्था है यह एक धर्म संकल्पित समाज व्यवस्था है इसलिए उसे ईश्वरीय राज्य भी कहा जाता है इस धर्म संकल्पना में अगर कर्तव्य कर्तव्यपरायणता के साथ देखते हैं तो हर घटक का भौतिक उन्नति का मार्ग खुला होता है उसके आध्यात्मिक यानी आनंद प्राप्ति का मार्ग खुला होता है और उत्तम समाज व्यवस्था परस्पर बंधुभाव परस्पर सहयोग परस्पर सम्मान परस्पर उपासना न्मान, परस्थ न्मान, परस्थ न्मान, के प्रति सम्मान परस्पर उनके आचरण के प्रति सम्मान इसका वह द्योतक है तो अब इतना उदात्य रखने वाला कोई भी राष्ट्र संकीर्ण कैसे हो सकता है यह प्रश्न उपस्थित होता है और इसलिए जो यह आक्षेप ले रहे कार्तिक जी की हिंदू राष्ट्र या संकल्पना ही संकीर्ण है और हिंदू राष्ट्र या संकीर्ण विचारधारा का राष्ट्र होगा तो उसमें उनका अध्ययन नहीं तो अज्ञान प्रकट होता है धर्म पंथ संप्रदाय के विषय में अध्ययन का उनका अज्ञान प्रकट होता है केवल हिंदू द्वेषी नहीं तो हिंदू धर्म के तत्वों के प्रति भय भी प्रकट होता है क्योंकि अगर यह अपने मूल स्वरूप में अगर विश्व में स्थापित हो जाए तो उनके पंथों में जो ऊपरी ऊपरी विचारधारा के जो सूत्र है वो सूत्र निरस्त करके उनके अनुयायी कहीं हिंदू ना बन जाए इस डर के कारण सब हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को विरोध कर रहे हैं ऐसे मुझे लगता है कार्तिक जी जी सदगुरु जी आपने यहाँ पर जो कहा है वो बिल्कुल सही है हिंदुओं का विचार कभी संकीर्ण नहीं रहा है उन्होंने विश्व मांगल्य की ही कामना की है अनेक धर्म ग्रंथों से यह पुनः पुनः स्पष्ट भी होता है इस विषय में कृपया आप हमारे दर्शकों को अधिक जानकारी दे ऐसे में आपसे प्रार्थना करता हूँ कार्तिक जी हिंदू शब्द के अर्थ में ही उसके उदात्त विचारों की जानकारी मिलती है यह हमने पिछले दो तीन जो धर्म संवाद के जो कार्यक्रम हुए उसमें हमने स्पष्टता से देखा है हमने देखा था कि मेरु तंत्र नामक यह जो एक शैव ग्रंथ था तो इस धर्म ग्रंथ में हिंदू शब्द की उत्पत्ति देते हुए यही कहा था कि जो हीन अथवा कनिष्ठ रज और तमोगुणों का नाश करता है वही हिंदू है जो रजतमात्मक हीन गुणों का तथा इन हीन गुणों के द्वारा होने वाले व्यक्ति के कायिक वाचिक मानसिक स्तर के जो नीच कर्म हैं अयोग्य अधर्म गुनेगारी कर्म है ऐसे कर्मों का जो परित्याग करता है अर्थात जो सात्विक आचरण करता है इसका मतलब जो धर्मपरायण करता है जो अच्छे कर्म करता है जो दूसरों का विचार करता है तो ऐसे आचरण करने वाला सात्विक व्यक्ति वह हिंदू है तो हिंदू शब्द की व्याख्या में वह ना तो किसी उपासना पद्धति से जुड़ा है ना तो किसी आस्था से जुड़ा है ना तो सगुण निर्गुण उपासना पद्धति से जुड़ा है तो हिंदू यह शब्द मानवी वृत्ति उसके मेंटल एटीट्यूड थिंकिंग प्रोसेस से जुड़ा हुआ है यह यहाँ स्पष्ट होता है अब थिंकिंग प्रोसेस से जुड़ा हुआ है यानी क्या है तो नीच और हीन कर्म नीच और हीन कर्म यानी जैसे टेररिस्ट अताताई है या गुनेगार है या स्वार्थी व्यक्ति है तो वो क्या करता है वो मैं मेरा इसी विश्व में जुड़ा होता है उसको लगता है मेरा ही पंथ सर्वश्रेष्ठ है मेरा ही मजहब सर्वश्रेष्ठ है मेरी उपासना पद्धति अच्छी है केवल यही मार्ग है जो आपको मोक्ष दे सकता है ईश्वर की प्राप्ति दे सकता है आपको यही स्वीकारना होगा नहीं स्वीकारेगी तो आपको जीने का अर्थ नहीं कोई पैगन कहता है तो कोई काफिर कहता है और उसको मारने का आदेश उनके पंथ में मिलता है तो मूलतः यह जो मैं और मेरा या मेरी श्रेष्ठता और दूसरे की कनिष्ठता और आपको मुझे मेरा ही विचार स्वीकारना पड़ेगा और नहीं तो आपको जीने का अधिकार नहीं यह विचारधारा मूलता संकीर्ण विचारधारा है यह रजतमात्मक विचारधारा है यह गुनेगारी भी हो सकती यह ऐसी वृत्ति गुनेगारों की भी होती है अधर्म करने वालों की भी होती है तो यह भी हमें ध्यान में लेने की आवश्यकता है अब इसके विरोध में जो विश्व कल्याण का व्यापक विचार करता है जो परस्पर सम्मान और परस्पर सहयोग की अपेक्षा रखता है एक दूसरे की उपासना पद्धति का आदर करता है केवल मेरा ही नहीं तो सभी के उपासना का मार्ग वही एक ईश्वर को प्राप्त करता है जिसको मैं प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ हम सहजीवन करें समाज व्यवस्था उत्तम रख के समाज में सुख शांति निर्माण करके जिए इस प्रकार का जो एक विश्व कल्याण का सात्विक सात्विकता का एक जो व्यापक विचार करता है वह व्यक्ति हिंदू कहलाता है और इतिहास में इसके कई उदाहरण हैं यह हम जान सकते हैं हमारे जो पूर्वज थे और उसमें अधिकतम जो हमारे धर्माधिकारी थे ऋषि मुनि तो हमारे ऋषि मुनियों ने यह उद्घोष किया था कृणवंतो विश्वम आर्यम ऋग्वेद के मंडल नौ और सूक्त त्रेसठ की यह पांचवी रुचा है तो वेदों से हमने यह घोष किया है कि कृणवंतो विश्वम आर्यम अब इसका मतलब किसी का धर्मांतरण करो ऐसा बिल्कुल नहीं था आपको यही विशिष्ट उपासना पद्धति करना है यह भी नहीं था आपको सगुण उपासना करना था यह भी नहीं और केवल निर्गुण करो ऐसा भी नहीं था तो इसका अर्थ था कि संपूर्ण विश्व को आर्य बनाएंगे आर्य का मतलब सुसंस्कृत बनाएंगे तो जो अन्य जगह कम्युनिटी लिविंग या गुड मैनर्स सिखाए जाते हैं तो भले ही मानसिक स्तर का हो मगर वह एक कम्युनिटी लिविंग और गुड मैनर सिखाया जाता है मगर सुसंस्कृति है उससे कई अधिक ऊंचाई तक मनुष्य को लेके जाने वाले जो संस्कार है तो उसके संदर्भ में सनातन धर्म परंपरा हिंदू धर्म परंपरा में बताया और इसलिए संपूर्ण विश्व को आर्य बनाने का मतलब है कि हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे एक दूसरे से प्यार करेंगे एक दूसरे के संकट में सहायता करेंगे एक दूसरे के खुशी में हम सहयोगी होंगे एक दूसरे का दुख बांटेंगे मेरे वजह से किसी को दुख नहीं होना चाहिए मेरे वजह से ना व्यक्ति परिवार ना समाज ना राष्ट्र कोई प्रताड़ित होना चाहिए मेरे वजह से राष्ट्र या धर्म संकट में नहीं आना चाहिए तो हम सब मिलकर सबके उत्थान के लिए मेरे वजह से ना तो जल प्रदूषित हो मेरे वजह से ना वायु प्रदूषित हो मेरे वजह से ना वनस्पति कटे अनावश्यक मेरे वजह से ना पर्वत श्रृंखला नष्ट हो जाए तो सृष्टि के संवर्धन का विचार इस आर्य या सुसंस्कृत बनने में था तो कितना व्यापक विचार था यह व्यक्ति के मनोवृत्ति मेंटल एटीट्यूड एक उसकी आ, संस्कारों से निगड़ित व्याख्या है किसी उपासना पद्धति से नहीं और यह जो पंथ मजहब रिलीजन जो है यह केवल विशिष्ट उपासना से जुड़ी हुई है वहाँ पे मनुष्य की वृत्ति कैसे होनी चाहिए इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है ये कहती कि आप शत्रु जो आपका पंथ को अनुनय नहीं करते आपके मजहब का अनुनय करते उनको लूटो उनके स्त्रियों को लूटो उनकी स्त्रियां आपका बख्शिश रहेगी जो आपका पंथ नहीं स्वीकारते उनसे जिजिया कर स्वीकारो अन्यथा आप उनको काफिर बन के मार भी सकते इस तरह का आदेश जो देते हैं तो उन संकीर्ण पंथ या मजहब के विचारों की तुलना में हिंदू या आर्य या सुसंस्कृत बनाए ये कितना व्यापक विचार था वह हमें ध्यान में लेने की आवश्यकता है अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वह क्या है अभी हम देखेंगे तो इस श्लोक का अर्थ अभी हम समझ लेते हैं इस श्लोक के अर्थ भी क्या बताते हैं हमें ऋषि मुनि हमारे पूर्वज है हमारे गोत्र ऋषि है तो वो कहते हैं कि यह मेरा है यह मेरा नहीं है ऐसे विचार क्षुद्र बुद्धि के ही लोग करते हैं उदार चरित्र के लोगों को संपूर्ण पृथ्वी अपना परिवार समान ही प्रतीत होती है तो कितनी बड़ी बात किया है आज मैं और मेरा परिवार या मैं और मेरा करियर इसमें फंसा हुआ यह आधुनिक पाश्चात्य परंपरा का जो विचार है उससे आज समाज विघटित होकर एक दूसरे के प्रति द्वेष ईर्षा रखकर एक दूसरे को खत्म करने के पीछे लगा है और हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि ये मेरा है ये मेरा नहीं ये क्षुद्र बुद्धि का लक्षण है उदार चरित्र के लोग कहते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी मेरे एक परिवार के समान है तो हिंदू धर्म जहाँ संपूर्ण पृथ्वी को एक परिवार बनाने के पीछे प्रयास कर रहा है और अन्य पंथ या मजहब या रिलीजन हमारा ही रिलीजन या मजहब श्रेष्ठ है और आपको हमारा ही आना चाहिए उसके लिए क्रिश्चियन मिशनरी या इस्लामिक मिशनरी निकले हैं और धर्मांतरण के पीछे लगकर व्यक्ति पर एक मानव अधिकार और धार्मिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं उसकी तुलना में आप अपने उपासना पद्धति से साधना करिए परंतु अपने मनोवृत्ति को एक सत्वगुणी बनाकर परस्पर सहयोग करके एक परिवार का भाव निर्माण करे ऐसे बताने वाला हिंदू धर्म कितना श्रेष्ठ है इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते हैं तो इस प्रकार की व्यापक विश्व को एक परिवार मानने की संकल्पना और सीख देने वाले यह हिंदू धर्म ग्रंथ में बारंबार दिशा दर्शन आए हैं तो ऐसे व्यापक और उदात्त ग्रंथ के आधार पर निर्माण होने वाला हिंदू राष्ट्र संकीर्ण हो कैसे सकता है ऐसे मुझे भी प्रश्न है और आपको भी पढ़ना चाहिए और जो यह कह रहे कि हिंदू धर्म यह संकल्पना संकीर्ण है उनको हमको प्रश्न पूछना जवाब पूछने की आवश्यकता है कि किस आधार पर आप हाँ कह रहे हैं और हमें अध्ययन करके उनके इस आक्षेपों का खंडन करने की आवश्यकता है मूलतः यह जो हिंदू राष्ट्र है यह अत्यंत विश्व कल्याणकारी होगा और होता भी है रामराज्य यह अत्यंत विश्व कल्याणकारी था यह हमने अनुभव किया है वास्तव में सनातन धर्म सर्वभौमिक अर्थात विश्व के सभी भूमि के लिए लागू है और वो सभी भूमि के लिए कल्याण करिए केवल भारत भू नहीं वो विश्व को अपना परिवार करके मानता है क्योंकि दूसरी बात यह है कि सनातन हिंदू धर्म के जो सिद्धांत है वो मूलतः वैश्विक यानी यूनिवर्सल है यूनिवर्सल यानी सभी को लागू सभी मनुष्य को लागू सभी प्राणियों को लागू सभी ये पंचमहाभूत और निर्जीव सजीव सृष्टि को लागू है भारतीय ऋषि परंपरा ने विश्व शांति के लिए यज्ञ किए थे और आज भी हिंदू धर्म के संत केवल स्वयं के लिए या अपने हिंदू समाज के या अपने प्रांत या राज्य के लिए नहीं अपितु तो विश्व शांति का संकल्प करते हैं जब भी यज्ञ करते हैं और अधिकतम विश्व शांति यज्ञ ही वो करते हैं तो आज भी इतने प्रतिकूलता में मजहबों का आक्रमण हो रहा है रिलीजन और पंथों का आक्रमण हो रहा है धर्मांतरण की गति चल रही है और ऐसी स्थिति में भी उनके प्रति प्यार रखकर विश्व शांति का यज्ञ कर रहे हैं परंतु वर्तमान ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो ऐसे आतात एक तरफी संकीर्ण संकुचित विचारों को शिक्षित करने के लिए सक्षम नहीं अपितु अल्पसंख्यक के नाम पर लंगुल चारण करके उनका बढ़ावा दे रही है यह इस झूठे लोकतंत्र का दुर्दैव है क्योंकि अगर यह लोकतंत्र है तो लोकतंत्र का मेजोरिटी तो इज द लॉ और बहुमत से जो पारित होता है वह लागू करने की प्रक्रिया ने लोकतंत्र है परंतु यह झूठा लोकतंत्र इस प्रकार से बनाया है कि संवैधानिक तौर पर हिंदू बहुसंख्यक होने के बाद उसके मूलभूत अधिकार नाकार कर वह अधिकार अल्पसंख्यक के नाम पर ईसाई और इस्लाम को तो दिए है मगर हिंदुओं को जानबूझ नकारा गया है तो एक अत्यंत गलत बात इस झूठे लोकतंत्र ने हिंदुओं के साथ यह भेदभाव करके दी है हमारे जो धर्म सम्राट करपात्री स्वामी जी थे वो हिंदुत्व की रक्षा और हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ रहे थे परंतु उन्होंने जो हमें घोष दिया था धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो तो यह घोष देते समय केवल भारत या भारत में रहने वाले हिंदू या मूर्ती हिंदू या निर्गुण निराकार उपासना करने वाले हिंदू ऐसा विचार न रखते उन्होंने विश्व कल्याण हो यह बाद में कहा था धर्म यानी धर्म तत्व सात्विक वृत्ति से जीने वाले हर व्यक्ति की रक्षा की उसकी जय की मांग किया और अधर्म रजतम वृत्ति में चाहे वो रावण कंस जैसे हिंदू क्यों न हो या अभी सनातन धर्म का विद्वेश करने वाले सनातन धर्म परंपरा को विरोध करके उसे नष्ट करने का विचार करने वाले आता तय क्यों न हो तो उस अधर्म का नाश की भी बात वे करते हैं और इसलिए यह सब अगर हिंदू धर्म के प्रति अगर हम अध्ययन करके देखते हैं या हिंदू धर्म को विरोध करने के करने वालों के मन में हिंदू धर्म के मूल्यों के प्रति जो भय दिखता है या हिंदू धर्म के प्रति विद्वेष दिखता है तो इस तुलना में अगर हम देखते हैं तो हिंदू धर्म यह धर्म के अधिष्ठाते धर्म के अधिष्ठान पर है और यह एकमात्र ऐसे धर्म है जो विश्व शांति और विश्व कल्याण का विचार को साकार कर सकता है तो हिंदू राष्ट्र यह अत्यंत उदात्त विश्वव्यापी और सभी के उत्थान के लिए होगा और इस विचार में कोई द्वंद्व रखने की आवश्यकता नहीं है कार्तिक जी ऐसे मुझे लगता है और इसलिए सबसे पहले इस धर्म संवाद के माध्यम से हो धर्म शिक्षा के माध्यम से हो शक्ति का प्रसार करके धर्म की सत्य जो बात है धर्म पंथ सांप्रदाय इसका अर्थ क्या है या हमारे विरुद्ध में जो षड्यंत्र चल रहा है तो कैसे सत्य को झूठा बनाकर परोसा जा रहा है कैसे सच्चे इतिहास को छुपाकर झूठा इतिहास परोसा जा रहा है शिक्षा पद्धति के माध्यम से कैसे भारतीय नागरिक और हिंदुओं को गुमराह किया जा रहा है इसके बारे में अगर हम जागरूकता ला सकते हैं तो सही मायने में भारत हिंदू राष्ट्र विश्वगुरु और वसुदैव कुटुंबकम यह संकल्पना साकार होगी ऐसे मुझे लगता है कार्तिक जी धन्यवाद सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी हम सभी आपके प्रति कृतज्ञ हैं आज के धर्म संवाद में हमने हिंदू राष्ट्र की मांग कोई राजनीतिक मांग नहीं है यह हमें यहाँ पर स्पष्ट हुआ है वह हमारा स्वाभाविक अधिकार है यह हमें समझ में आया ही होगा बंधुओं यह जो धर्म संवाद का कार्यक्रम चल रहा है जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको हिंदू राष्ट्र से संबंधित दी जा रही है इसके बारे में यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो कोई शंका हो या आपके कोई सुझाव हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में हमें लिख दे सकते हैं आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं पर विराम देंगे आने वाले संवाद में हम इसी क्रम में हिंदू राष्ट्र से संबंधित और अधिक जानकारी समझकर लेने वाले हैं जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से ही आज का यह कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से पूर्ण हुआ इसलिए उनके श्री चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को उनके कोमल चरणों में विराम देता नमस्कार राष्ट्र एवं धर्म के उत्थान हेतु अविरत चल रहे गुरु कार्य के लिए अर्पण करें आषाढ़ अर्थात गुरु पूर्णिमा श्री गुरु का पूजन करने का दिन हिंदू धर्म कहता है कि मोक्ष, अर्थात, चिरंतन आनंद प्राप्त करना जीवन का सर्वोच्च ध्येय है यह ध्येय गुरु की कृपा से ही शिष्य साध्य कर पाता है इसलिए हिंदू धर्म में गुरु शिष्य परंपरा अनादि काल से चली आ रही है शिष्य बनने के लिए तन, मन और धन का त्याग कर साधना करना महत्वपूर्ण है ऐसा करने से ईश्वर स्वरूप मोक्षदाता गुरु शिष्य के जीवन में आते हैं आज भाग दौड़ से भरे जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के लिए गुरु कार्य अर्थात अध्यात्म प्रचार और धर्म शिक्षा देने हेतु समय देना कठिन लग सकता है तथापि उसमें यथाशक्ति सम्मिलित होना संभव है समाज में अध्यात्म का प्रचार करने के लिए सनातन संस्था 1999 से कार्यरत है और वर्ष 2002 दो दो से धर्म जागृति के लिए समर्पित हिंदू जन जागृति समिति के माध्यम से गुरु कार्य अर्थात ईश्वरीय कार्य निरंतर चल रहा है। इन संगठनों के कार्य में सम्मिलित होना गुरु सेवा ही है। गुरु पूर्णिमा पर गुरु तत्व एक सहस्त्र गुना अधिक कार्यरत होता है इसलिए गुरु पूर्णिमा के निमित्त गुरु कार्य के लिए त्याग करना साधना की दृष्टि से एक हजार गुना अधिक लाभदायक सिद्ध होता है धन का त्याग करना सबसे सुलभ है इसलिए सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति के कार्य में यथाशक्ति अर्पण कीजिए ऑनलाइन अर्पण करने के लिए हमारा पता है सनातन डॉट ओ आर जी स्लैश ई एन स्लैश डोनेट हिंदू जागृति डॉट ओ आर जी स्लैश डोनेट आयकर लाभ के लिए ए की सुविधा भी उपलब्ध है अधिक जानकारी के लिए हमारा संपर्क सात शून्य पाँच आठ 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 पाँच छः एक शून्य सेवन जीरो फाइव एट एट एट, एट फाइव सिक्स वन ज़ीरो हमारा ईमेल है कॉन्टैक्ट ऐट द रेट सनातन डॉट ओ आर जी कॉन्टैक्ट ऐट द रेट हिंदू जागृति डॉट ओ आर जी